हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम नॉन टॉपिक का थ्योरी हम कर लिए हैं, अब उसका हम स्पॉटिंग एरर देखने जा रहे हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्पॉटिंग एरर ढूंढना है, कौन सा पार्ट में एरर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो साथियों एरर कौन सा पार्ट में है, तो यहाँ पता चल गया तुरंत कि पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़े थे कि अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद सेम नाउन का प्रयोग होता है, यदि कोई प्रीपोजिशन है उसके पहले सेम नाउन का प्रयोग पहले और बाद होता है तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। लेकिन यहाँ प्रश्न में पेजेस आफ्टर पेजेस या प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए इस एरर पार्ट है पार्ट नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर क्या होगा, पेज 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 आफ्टर पेज, एस हट जाएगा, क्या होगा, एस यहाँ हट जाएगा, सीधे सिंगुलर बन जाएगा और बाकी सारे करेक्ट है। क्योंकि हमको नॉन केवल देखना है कि नॉन वाला, क्योंकि मेरा टॉपिक है नॉन। अगला क्वेश्चन नंबर दो, आई वॉन्ट गो बेंट वी टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स आंट एंड कजिन सिस्टर, नो एरर। कौन सा एरर होगा? तो देखिए कजिन सिस्टर कहना गलत है, क्योंकि कजिन का मतलब होता है चचेरा, भाई या बहन। तो कजिन सिस्टर्स नहीं होगा, केवल कजिन होगा। क्या होगा? केवल कजिन होगा। यहाँ एरर पार्ट है पार्ट नंबर सी में। आगे है साथियों, आगे है ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो यहाँ पर गलत क्या है, ही टेक्स, क्वेश्चन नंबर थ्री देख रहे हैं, टेक टेक्स बी फॉर वर्क पेन ओवर हिज वर्क। तो यहाँ जो एरर पार्ट है, यहाँ टेक्स पेन का प्रयोग, टेक्स टू ए के टेक्स पेन्स का प्रयोग करें, क्योंकि इस जो टेक्स पेन है इसको पेन्स बना दिया, टेक्स पेन्स होगा। और इसका फ्रेज है, इसका अर्थ होता है काफी प्रयास करना। ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, टेक पेंस का क्या अर्थ होता है, तो काफी प्रयास करना। आगे प्रश्न नंबर चार है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्राइटेरिया होता है, ना कि ए नंबर ऑफ के बाद नॉन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। तो नंबर ऑफ के बाद नॉन प्लूरल क्राइटेरियन को क्राइटेरियंस बनाने के लिए एस नहीं जोड़ते हैं, इसके में क्राइटेरिया CRI CRI TERI होगा, क्राइटेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरोन एंड शेली। तो यहाँ पीस वाले पार्ट में देखना है कि कौन सा पार्ट में गलत है। तो यहाँ देखिए आई लाइक द पोएट्री, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता, इसलिए एरर वाले पार्ट है बी, क्योंकि पोएट्री को पोएट्रीज नहीं लिखते हैं, सीधे पोएट्री ही लिखते हैं। तो एरर पार्ट हमारा बी में है। तो इस तरह आगे और देखते हैं साथियों, हेलो साथियों। तो आगे हम देख रहे हैं, आगे स्पॉटिंग एरर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचैंटेड मी। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचैंटेड मी। तो सराउंडिंग का प्रयोग करें जिसका अर्थ होता है आसपास की जगह। सराउंडिंग यहाँ पर क्या होगा, सराउंडिंग्स, एस वाला सराउंडिंग्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम थ्योरी में देख चुके थे सराउंडिंग्स का प्रयोग आसपास की जगह है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, प्लेस के बारे में बोला कि जो ब्यूटीफुल प्लेस है, सराउंडिंग है चारों ओर का, एनचैंटेड में जो मतलब लुभारा है, तो यहाँ सराउंडिंग्स होगा। सराउंडिंग ई वाला सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग, सराउंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर एरर पार्ट ये होगा, यहाँ नाउन वाला फॉर्म होना चाहिए था। आगे हैं, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। तो नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। तो यहाँ जो एरर वाले पार्ट है, लगेज का प्रयोग करें, लगेज यहाँ पर क्या, लगेज एस नहीं होगा, क्योंकि लगेज का प्लूरल नहीं होता, लगेज अनकाउंटेबल नाउन, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, इसीलिए एरर पार्ट है यहाँ लगेज होगा, एस वाला लगेज नहीं होगा, लास्ट में एस नहीं होगा। अगला साथियों,
टेबल्स लेग हैव बीन इलाबोरेटली कार्व्ड। तो इसमें पार्ट ढूंढना है कौन सा पार्ट में गलत है। तो टेबल्स लेग के स्थान पर टेबल्स लेग हम पढ़ चुके हैं थ्योरी, लेग्स ऑफ टेबल होगा, लेग्स ऑफ टेबल का प्रयोग करें, क्योंकि समांतर निर्जीव वस्तु के साथ एस एस का प्रयोग नहीं होता, एस का प्रयोग नहीं होता निर्जीव वस्तु के साथ, इसीलिए यहाँ पर लेग्स ऑफ टेबल होगा। क्या होगा? लेग्स ऑफ टेबल। अगला है द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो यहाँ जो एरर होगा है सीनरी का प्रयोग करें, सीनरी सीनरी अनकाउंटेबल होना है, यहाँ सीनरीज नहीं होगा सीनरी होगा, SCENER होगा सीनरी। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न में, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। तो ड्राइवर शोड, तो यहाँ ग्रेट टैलेंट, तो टैलेंट के स्थान पर स्किल होगा, क्योंकि यहाँ टैलेंट तो नहीं, स्किल का अपना प्रयोग किया, अपना स्किल का प्रयोग करा, नेचुरल एबिलिटी को डू, यहाँ पर टैलेंट के स्थान पर स्किल का प्रयोग करें, क्योंकि टैलेंट का अर्थ है, टैलेंट का अर्थ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, और स्किल का अर्थ होता है, टैलेंट क्या होता है, नेचुरली होता है कि कुछ करने को क्षमता, डू समथिंग कुछ करने के लिए, और स्किल का अर्थ होता है टाइप ऑफ एक्टिविटी डेट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड नॉलेज। स्किल क्या होता है, जो आप जैसे बोले ड्राइविंग में स्किल, आप में एक कला है, स्किल मतलब कि चलाने का एक, गाड़ी चलाने का एक आपका हुनर है, कला है, तो ये आप स्किल होता है कि जो कोई काम करने से सीखता है व्यक्ति, स्किल आता है उसमें, इम्प्रूवमेंट आता है, तो यहाँ टैलेंट नहीं होगा, क्या होगा, स्किल होगा। एरर वाले पार्ट है डी में। आगे गर्मा में, वेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सो ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो वेन आई एंटर्ड द बेडरूम द स्नेक आई सो ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड का अर्थ होता है, ये वाला ग्राउंड का अर्थ है मकान के बाहर की धरती का ऊपरी सतह, तो ग्राउंड के स्थान पर होगा फ्लोर। क्या होगा? फ्लोर होगा, क्योंकि ये ग्राउंड का अर्थ होता है मकान के बाहर की धरती का ऊपरी सतह, और फ्लोर का अर्थ होता है मकान के अंदर का फर्श। तो देखिए वेन आई एंटर द बेडरूम, बेडरूम है तो यानी घर के अंदर, फ्लोर पर गया, मकान के अंदर गया, तो अंदर का फर्श को, फर्श यहाँ पर सेंस बन रहा है, इसीलिए ग्राउंड नहीं होगा, फ्लोर होगा। आगे आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। तो यहाँ जो एरर वाले पार्ट है, द पुअर के स्थान पर द पुअर होगा, द पुअर्स नहीं होगा, द पुअर ही प्लेयर होता है, पुअर के साथ एस नहीं लगाते, द पुअर का अर्थ है गरीब वर्ग, और द पुअर का अर्थ होता है क्या, गरीब वर्ग, द पुअर का अर्थ होता है, और पुअर एडजेक्टिव में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें एस या एडजेक्टिव में जानते होंगे कि एस और ये एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो प्लूरल द पुअर, द पुअर प्लूरल कॉमन नाउन है पुअर, तो यहाँ जो एरर पार्ट होता है एस नहीं होगा, पुअर द पुअर केवल होगा। आगे लेजर्स आर, अगला लेजर्स आर इनडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। तो लेजर्स आर इनडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। तो आई सर्जरी है, आई सर्जरी के स्थान पर आई सर्जरी होगा, आई सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी होगा, क्यों, क्योंकि आई सर्जरी का आई आइस नॉन है, आइस नॉन है, परंतु ई वाई ई एस आई सर्जरी की विशेषता बता रहा है, आइस सर्जरी की विशेषता बता रहा है, एवं ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, आई क्या है, नॉन है, आई सर्जरी के स्थान पर आई सर्जरी होगा का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि आई नॉन है, आइस क्या है, नॉन है, परंतु आइस सर्जरी की विशेषता बता रहा है एवं ऑब्जेक्टिव का कर रहा, अगर नॉन ऑब्जेक्टिव का कार्य करे तो सिंगुलर फॉर्म में होता, इसलिए यदि नॉन क्या है एडजेक्टिव का काम करे तो नॉन क्या है सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए आइस के स्थान पर आई होगा, आई के स्थान पर आई होगा। तो यहाँ तक देखते हैं, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, आज तक के लिए बस इतना ही।